हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा बायोलॉजी सेक्शन का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमारे अंदर जो भी फूड होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और कौन सा एंजाइम होता है जो हमारे फूड को तोड़ के डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप देखेंगे, द स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन। ऐसा कौन सा स्टेप है जिसमें ह्यूमन बींग, हमारा जो सेल है, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन मतलब होता है जो भी हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, दैट इज इनटेक ऑफ फूड। जो भी हम लोग फूड खाते हैं उसी को हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन। ठीक है, दैट इज इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फूड का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, विथ कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन होना फूड को, उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ब्रेकडाउन ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होना। जो भी हम लोग फूड खाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद, वो क्या होता है? फूड इतना ही पाउडर जैसा हो जाता है, लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसा पाउडर जैसा होता है, वैसे हमारा जो भी फूड खाते हैं वो खाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, एट लास्ट वो क्या बनाता है? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज, वो जो न्यूट्रिशन है, वो क्या होता है? ब्लड के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड का, ब्लड के साथ जो एब्जॉर्ब हो गया, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिफरेंट हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में जाता है, हर एक सेल में जाता है, और वो जाके एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा सेल। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब क्या होता है, जो हमारा जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज जब ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, जब ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, और वो क्या करेगा? सेल को, हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल को पहुंचाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो हमारा फूड होगा वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लोग इजेशन। इजेशन मतलब होता है कि जो भी वेस्ट मेटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करना। जितना भी वेस्ट मेटेरियल होता है उसका, जितना भी हार्मफुल हो गया या वेस्ट मेटेरियल हो गया, उसको एक्सक्रीट करना ही को हम लोग क्या बोलेंगे? इजेशन। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इजेक्शन ऑफ एक्सक्रीट ऑफ वेस्ट मेटेरियल, वेस्ट मेटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? इजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनल। हम लोग फूड तो खाते हैं, तो फूड खाने के बाद फूड का एक रास्ता भी होता है। ठीक है, जहां से फूड एंटर होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उसी चीज को, जो फूड हम लोग खाए वो एक पर्टिकुलर एक रास्ता होता है जाने का अंदर। ठीक है, तो फूड कौन सा रास्ता से जाता है वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल मतलब जो भी फूड खाते हैं वो एक पर्टिकुलर क्या करता है? पाथ ले लेता है। ठीक है, एक रास्ता ले लेता है। तो पर्टिकुलर रास्ता को हम लोग, स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है, और एंड होता है कहां पे? एनस तक। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होगा, फिर वो कहां पे जाएगा? फूड पाइप में, और वो फूड पाइप पे जाके स्टोमक में जाएगा, फिर वो स्टोमक में जाके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, तो ये जो रास्ता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल। तो स्टार्ट होगा माउथ से, उसके बाद फेरनेक्स में जाएगा, ये पार्ट फेरनेक्स बोलते हैं हम लोग, उसके बाद ओसोफेगस, दैट इज फूड पाइप बोलते हैं इसको, ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा फूड पाइप में, उसके बाद हमारा जाएगा स्टोमक में, अब उस स्टोमक में जाने के बाद फिर जाएगा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर कहां पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये होता है फूड का डाइजेशन जो भी होता है उसका रास्ता। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड।
ठीक है। तो सबसे पहला जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन है, सेलिवरी ग्लैंड। ये जो सेलिवरी ग्लैंड है ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक जीभ के नीचे, टंग जो होता है टंग के नीचे जो पोर्शन होता है वहां पे सेलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। इसके बाद आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जब खाना यहां से माउथ से जब हमारे स्टोमक में जाता है तब वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, वो क्या करता है अपना गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, ठीक है। इसके बाद लीवर, लीवर भी हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है। बाइल जूस एक टाइप का फ्लूइड होता है जो क्या करता है, फैट को तोड़ता है, जो भी फैट मटेरियल होगा फूड में उसको तोड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंटेस्टिनल ग्लैंड। ये जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है ये हमारा किस में प्रेजेंट होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पैनक्रियास भी पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है, जो क्या करता है डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डाइजेशन प्रोसेस। अब हम लोग बात करेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है। याद रखिएगा जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है फूड से, बोल सकते हैं लोग माउथ से, ठीक है। फूड का जो ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से, ठीक है। और ये एंड होता है कहां पे, ये स्टार्ट होगा माउथ से और एंड कहां पे होगा, एनस पर, ठीक है, एंड एंड पोर्शन, ठीक है। अब बात करते हैं लोग माउथ में, माउथ में, माउथ में डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होगा। इसमें क्या होता है, हम लोग जो भी फूड खाते हैं, हम लोग जो भी फूड खाएंगे उसमें उसमें क्या होता है, फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, उसका क्या होता है प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन होता है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। तो ये सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है किसमें, फूड में। अब जैसे ही फूड माउथ में जाता है तो माउथ में जाने के बाद सबसे पहला जो फूड को ब्रेक करता है वो हमारा होता है टीथ, ठीक है। सबसे पहला जो फूड को ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा किसको, फूड को, वो कौन होगा, दैट इज टीथ। अब टीथ जो है ये केमिकल प्रोसेस होगा कि फिजिकल, देखिए डाइजेशन जो होता है वो दोनों प्रोसेस होता है, फिजिकल भी और केमिकल भी। फिजिकल ये कौन करेगा, टीथ करेगा, फूड को जो हम लोग चबाते हैं फूड को, दैट मीन्स फूड को तोड़ता सबसे पहले कौन है, टीथ, ठीक है। तो टीथ क्या करता है, इसको ब्रेक करता है फूड को, ठीक है, सबसे पहले। तो माउथ में जाने के बाद फूड सबसे पहले टीथ क्या करता है, उसको तोड़ता है, ठीक है, टीथ क्या करेगा, ब्रेक करेगा फूड को, ठीक है। तो फूड को सबसे पहले कौन ब्रेक करेगा, टीथ। अब उसके बाद जब ब्रेक हो जाएगा फूड तो वो क्या होगा, मिक्स होगा किसके साथ, हमारा जो सलाइवा होता है उसके साथ, ठीक है, मिक्स विथ सलाइवा, ठीक है। अब ये सलाइवा के साथ जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो सलाइवा जो है एक टाइप का एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, सलाइवा हमारा एंजाइम को रिलीज करेगा, ठीक है। लेकिन और एक बात है, ये जो सलाइवरी एमाइलेज जो है इसको निकालने वाला कौन है, दैट इज हम लोग सबसे पहले देखे थे, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट है वो क्या करेगा, सलाइवा एक्सर्ट करता है, और सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेज, एक टाइप का एंजाइम है जो क्या करता है, फूड को ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा, यहां पे कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होगा फूड में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होगा फूड में वो क्या होगा, 30% ब्रेक होगा, पूरा ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा माउथ में सबसे पहले 30% ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और वो ब्रेक होने के बाद वो किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोस या बोल सकते स्टार्च या सुगर, इस फॉर्म में ही क्या करेगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला डाइजेशन कहां पे हुआ, माउथ में। माउथ में क्या किया, टीथ ने सबसे पहले ब्रेक किया,
अब जो भी ब्रेक किया हुआ फूड है, जो टीथ ने ब्रेक किया, वो हमारे सेलाइवा के साथ मिक्स होता है और सेलाइवा को निकालने वाला कौन है? सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड। ये सेलिवरी ग्लैंड हमारे टंग के डाउन पोर्शन में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, जो भी सेलाइवा एक्सर्ट करता है उसमें सेलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। ये एक टाइप का एंजाइम होता है। ठीक है, अब वो एंजाइम क्या करेगा, जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा फूड में उसको ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करके 30% जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें से 30% ब्रेक कर देगा, किसमें? माल्टोस नीतो स्टार्च नीतो शुगर में वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद वो जाएगा किसमें? दैट इज फूड पाइप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फूड पाइप, जिसको हम लोग ओसोफेगस भी बोलते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं ओसोफेगस। ठीक है, ये ओसोफेगस क्या करेगा, यहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज यहां पे कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता है। याद रखिएगा, जहां पे एंजाइम प्रेजेंट होगा वहीं पे डाइजेशन होता है, अदरवाइज डाइजेशन नहीं होगा। तो यहां पे माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था? सेलिवरी एमाइलेज, जो सेलाइवा एग्जिट करता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो फूड पाइप है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए यहां पे डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। तो फूड जब माउथ से निकल के फूड पाइप में गया, तो फूड पाइप में जाने के बाद वो किस में जाएगा? स्टोमक में। ठीक है, ये स्टोमक में फूड चला जाएगा। नंबर टू, दैट इज डाइजेशन इन स्टोमक। माउथ में डाइजेशन तो समझ लिए, अब लेकिन जो फूड पाइप दैट इज ओसोफेगस है, यहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज इसमें एंजाइम नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग स्टोमक में। अब स्टोमक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहां पे स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब एक ऐसा ऑर्गेन होगा जो क्या रिलीज करेगा? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ये तीन का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस में आता है HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर अपने फिंगर को डीप करे तो ये हमारा पूरा हिस्सा गल जाता है। ठीक है, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत ही खतरनाक एसिड है। और उसी के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद जो दूसरा प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। ठीक है, ये जो है HCl पेप्सिन, उसके बाद क्या आता है? मुकस। मुकस, ये तीनों जो है ये क्या है? गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है, और वो कौन रिलीज करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो स्टोमक में प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ऑर्गेन भी बोल सकते हैं, वो क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा, जो कि HCl पेप्सिन और मुकस है। ठीक है, HCl सबसे पहला बात है, अगर HCl इतना ही खतरनाक है जिसमें अगर हम लोग HCl के अंदर फिंगर को डीप करें तो हमारा फिंगर क्या होगा? गल जाएगा। तो इतना खतरनाक है तो हमारे पेट में क्यों है? ठीक है, तो ये सवाल हो सकता है। तो याद रखिएगा, HCl क्या है? हमारे पेट के अंदर तो प्रेजेंट है, लेकिन उस हमारे स्टोमक के चारों तरफ क्या होता है? मुकस प्रेजेंट होता है, और वो मुकस इतना ही थिक होता है, इतना ही मोटा होगा मुकस का लेयर, वो क्या होगा? HCl को बाहर आने नहीं देता है, हमारे स्किन को इफेक्ट नहीं करता है। अब मुकस का मतलब होता है, जब भी सर्दी होता है तो जो नाक से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुकस। ठीक है, तो वो मुकस इतना ही थिक होता है, हमारे स्टोमक को पूरा कवर करने लगता है। इसीलिए HCl क्या करता है? हमारे जो भी स्टोमक होगा, स्टोमक का स्किन, उसको इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया मुकस का रोल। मुकस क्या करता है? हमारे स्टोमक का, हमारा जो स्टोमक होगा, स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। स्टोमक प्रोटेक्ट करेगा द वॉल ऑफ स्टोमक, प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टोमक। ठीक है, जो मुकस होगा वो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ स्टोमक का वॉल को। ठीक है, फ्रॉम द एक्शन ऑफ फ्रॉम द
एक्शन ऑफ HCl, हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उसके एक्शन से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पेप्सिन। अब देखिए, फूड जब हमारा स्टोमक में एंटर हो गया तो एंटर होने के बाद हमारा HCl, हम लोग जानते हैं जितना बार हम लोग क्या करते हैं खाना खाए या जितना बार हम लोग अपने माउथ को ओपन करते हैं बहुत सारा बैक्टीरिया क्या होता है हमारे अंदर एंटर होता है। ठीक है, तो एंटर होता है तो जो फूड में बैक्टीरिया होंगे उनको भी किल करने वाला कौन है HCl। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ HCl हम लोग बोल सकते हैं ये क्या करेगा, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट द फूड। ठीक है ना, एक बैक्टीरिया को क्या करेगा किल कर देगा जो भी फूड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये क्या करेगा, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, प्रेजेंट इन फूड। ठीक है, ये पहला फंक्शन हो गया, ये एग्जाम में आता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl प्रेजेंट इन द स्टोमक, तो आप लोग लिख सकते हो इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट द फूड। और दूसरा, ये HCl क्या करता है, जो भी फूड होगा उसको एसिडिक मीडियम कर देता है, फूड को एसिडिक मीडियम में कर देता है। ठीक है, जो भी फूड होगा वो फूड को एसिडिक मीडियम में कर देगा। और एक फंक्शन है HCl का, ये क्या करेगा HCl, ये पेप्सिन को एक्टिव कर देता है। ठीक है, ये पेप्सिन को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया ये HCl जो है ये पेप्सिन को एक्टिव कर देगा। ठीक है, और एक्टिव करके ना ये जो पेप्सिन है ये क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को, जो भी प्रेजेंट होगा प्रोटीन किसमें, फूड में, उसको क्या करेगा, ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, HCl जो है ये पेप्सिन को एक्टिव कर देगा, और एक्टिव करने के बाद में पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता प्रोटीन का, जो भी फूड में प्रेजेंट प्रोटीन होंगे उनका पूरा ब्रेकडाउन नहीं करेगा ये। ठीक है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है हमारे स्टोमक में। तो मैंने बताया डाइजेशन इन स्टोमक में कि हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इसमें क्या होता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है तीन टाइप का बोल सकते हैं मिल सकता है कॉम्पोनेंट, दैट इज HCl पेप्सिन मुकस। अब HCl क्या करता है, एक्टिव करेगा पेप्सिन को, और पेप्सिन क्या करेगा प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद जब फूड स्टोमक में डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पे स्टोमक में सिर्फ यहाँ पे क्या ब्रेक हुआ, प्रोटीन ब्रेक हुआ। हमारे माउथ में क्या ब्रेक हुआ था, 30% कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ था, और यहाँ पे भी जो स्टोमक में प्रोटीन ब्रेक हुआ था वो पूरा ब्रेक नहीं हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ये फूड फिर किस में जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब बात करेंगे हम लोग डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फूड जितना ब्रेक हो सकता है उतना ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया है, मैंने पॉइंट्स लिखा है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे लंबा बोल सकते हैं हमारा एलिमेंट्री कैनल है। ठीक है, पूरा बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट एलिमेंट्री कैनल कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे फूड क्या होगा, कंप्लीट ब्रेक होगा। ठीक है, उसके बाद साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, जैसे कि मैंने बोला ये क्या होगा, फूड का पूरा कंप्लीट डाइजेशन होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो फूड में प्रेजेंट है, फैट पूरी तरह ब्रेक हो जाएगा, प्रोटीन पूरी तरह ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय लीवर, यहाँ पे अगर आप देखो ये जो है ये हमारा क्या है, लीवर है। ठीक है, ये लीवर किससे कनेक्टेड है, ये हमारा ये जो इंटेस्टाइन जो दिखाई दे रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस रिलीज करता है। ठीक है, लीवर हमारा क्या करेगा, बाइल जूस रिलीज करता है। वो बाइल जूस क्या करता है, जो भी फूड में हमारा जो भी फैट होगा, बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस फैट को, जितना भी बड़ा फैट हो हमारे फूड में उसको छोटा छोटा टुकड़ा में क्या करता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट।
तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है? बाइल जूस, जो कि लीवर रिलीज करता है हमारे कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो बाइल जूस क्या करता है? फैट को ब्रेक करता है। ठीक है, फैट को ब्रेक करता है बाइल जूस। इसके बाद पेनक्रियास मेक द फूड इन अल्कलाइन। अब पेनक्रियास ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पेनक्रियास, ये है हमारा पेनक्रियास, पेनक्रियास। अब ये पेनक्रियास क्या करता है, ये जो भी फूड होगा उसको बेसिक मीडियम में कर देता है, अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, जो फूड हमारे स्टोमक में एसिडिक मीडियम में था वो फूड को बेसिक मीडियम में कर देता है। ठीक है, पेनक्रियास। अब पेनक्रियास उसी के साथ साथ ये दो चीज रिलीज करता है, एक होता है पेनक्रियाटिक जूस और एक होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। अब ये पेनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम आता है, ठीक है, दैट इज ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। और एक जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसको कंप्लीट ब्रेक कर देता है। क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी रिलीज करेगा। अब पेनक्रियाटिक जूस दो टाइप का एंजाइम रिलीज करेगा जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, जो भी प्रोटीन होगा बचा हुआ प्रोटीन फूड में उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। इसके बाद ये जो हमारा लाइपेज है और एक एंजाइम जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज किया, वो लाइपेज क्या करता है, ये फैट को तोड़ता है। ठीक है, जो भी बचा हुआ फैट होगा उसको तोड़ता कौन है, लाइपेज। ठीक है, इसको ब्रेक करेगा। इसके बाद और जो भी कार्बोहाइड्रेट जो बच जाएगा उसको तोड़ने वाला कौन है, पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। इसके बाद पेनक्रियास क्या करेगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट को तोड़ने के बाद अब वो कहां जाएगा, फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखे तो इसमें इंटेस्टिनल ग्लैंड होता है। ठीक है, इंटेस्टिनल ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड क्या करता है, ये एक जूस रिलीज करेगा। ठीक है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल जूस रिलीज करेगा। ठीक है, अगर ये हमारा इंटेस्टाइन हो गया तो इंटेस्टाइन के अंदर एक क्या होगा, जूस रिलीज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, ये क्या करेगा, जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और जितना भी प्रोटीन होगा वो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और जितना भी फैट होगा वो फैटी एसिड या ग्लाइसोरेल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट करने के बाद ये जितना भी न्यूट्रिशन आया ये ब्लड के साथ, ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और ब्लड क्या करेगा, वो ब्लड हमारे सेल तक पहुंचाएगा। ठीक है, और वो सेल क्या करेगा, यूज करेगा। ठीक है, तो और एक बात, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बोल सकते हैं विली, विली बोल सकते हैं। ठीक है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऐसा। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विली। ये क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को, इसका एरिया को बड़ा करता है। ठीक है, ताकि ब्लड जो है ये जितना भी न्यूट्रिशन है अच्छे से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, न्यूट्रिशन के साथ मिक्स हो जाए और हर एक सेल में क्या करे, ये ब्लड जो है फूड को पहुंचाए, ताकि सेल हमारा उसको अच्छे से यूटिलाइज करे। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया, ये क्या हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का मतलब जो फूड हमारे लिए यूजेबल है, ठीक है, जो हमारे लिए हेल्पफुल है उसको हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टेड फूड। और वो डाइजेस्टेड फूड कहां पे होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन किसको दे देता है, लार्ज इंटेस्टाइन को, इसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, तो ये था डाइजेशन ऑफ ह्यूमन
डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब हम लोग और एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले फूड माउथ में जाता है, तो माउथ में जाने के बाद टीथ क्या करता है, फूड को ब्रेक करता है। ठीक है, अब टीथ में जाने के बाद जब टीथ ब्रेक कर देता है तो हमारा जो सलाइवा होता है, सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाता है फूड के साथ। ठीक है, और फूड के साथ मिक्स होके सलाइवा उसमें से सिलिवरी एमाइलेज को निकालता है, एक टाइप का एंजाइम है जो क्या करता है, फूड को स्लिपरी कर देता है और 30% कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, फूड में जो प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद हमारा फूड जाता है दैट इज फूड पाइप में, दैट इज ओसोफेगस। अब ओसोफेगस में डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है बिकॉज उसमें एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, फिर हमारा फूड जाता है स्टोमक में। अब स्टोमक में जाने के बाद वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, तीन होता है, दैट इज एसएल और बोल सकते हैं पेप्सिन और मुकस। एसएल क्या करता है, जितना भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा फूड में उसको मार देता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ एसएल क्या करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। तो जो फूड प्रेजेंट होता है स्टोमक में उसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम में फूड होता है वो, और वो क्या करता है, पेनक्रियटिक क्या बोल सकते हैं, तो पेप्सिन था, पेप्सिन क्या करेगा, जितना भी प्रोटीन होगा प्रोटीन को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो सारा प्रोटीन ब्रेक नहीं होता उसमें। फिर उसके बाद बात करते हैं मुकस का। मुकस क्या करता है, जितना भी हमारा जो वॉल होगा स्टोमक का उसको प्रोटेक्ट कर रखता है विद द हेल्प ऑफ एक्शन ऑफ एससीएल। ठीक है, फिर जाता है हमारा खाना किसमें, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले वो क्या होता है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस क्या करता है, फैट को क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है, फिर भी पूरी तरह फैट हमारा ब्रेक नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, पेनक्रियस क्या करता है, पेनक्रेटिक जूस रिलीज करता है। पेनक्रेटिक जूस में दो टाइप का एंजाइम था जिसको बोल सकते हैं लोग ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है और जो लाइपेस है वो फैट को तोड़ता है। ठीक है, उसका पेनक्रेटिक बोल सकते हैं पेनक्रेटिक एमाइलेज होता है। पेनक्रेटिक एमाइलेज जो होता है वो जितना भी कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ था उसको तोड़ देता है। फिर इसके बाद जाता है हमारा जो फूड है वो किसमें जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह टूट जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ग्लूकोज में। उसके बाद जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, और जो हमारा फैट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है दैट इज फैटी एसिड और ग्लाइसोरेल में। ठीक है, उसके बाद जितना भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ब्लड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके बहुत सारा सेल को दे देता है। ठीक है, सारा जितना भी सेल है हमारे बॉडी के अंदर वो सबको सेल को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको समझाया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं विली। विली क्या करता है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अब जो भी डाइजेस्टिव फूड है वो हमारा ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और सेल में चला जाता है, और जो भी अनडाइजेस्टिव फूड दैट इज वेस्ट मेटेरियल वो कहां पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो एनस के थ्रू ये क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ये था डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।